बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया लगातार जारी है। 25 से 30 गांव में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तराई से शहरी इलाके तक दहशत बरकरार है। कछार क्षेत्र में पैदल कॉम्बिंग भी की जा रही है। वन विभाग के सर्च ऑपरेशन में अभी तक भेड़िया नहीं मिला है, तो लोगों में डर अभी भी बना हुआ है। खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं ग्रामीण, क्योंकि 45 लोगों पर अब तक अटैक हो चुका है, जिनमें से 10 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। लगातार वन विभाग की टीमें अलग अलग जगहों पर तैनात हैं, लेकिन बार बार भेड़िया चकमा देकर किसी दूसरे गांव पर अटैक कर देता है। पुलिस का पहरा भी है, साथ ही साथ वन विभाग की टीम है, जाल पिंजरा लेकर मौके पर मौजूद है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक 10 मौतें हो चुकी हैं, 45 लोगों पर अटैक किया गया है। बहराइच में भेड़िए के आतंक के बीच सियार के झुंड का भी एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में 6 से 7 सियारों का झुंड नजर आ रहा है। क्या खेरा बाजार के पास का ये वीडियो बताया गया। इस बीच ये बात भी सामने आई कि सीआर को भेड़िया बताकर वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। उधर वन विभाग पच देवरी सहित 3 इलाकों में भेड़िए को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रहा है। आपको बता दें, बहराइच में अभी तक आदमखोर भेड़िए के हमले में 10 लोगों की जान गई है, 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बिजनौर से अगली खबर, वन विभाग के पिंजरे में गुलदार कैद हुआ है। वन विभाग की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर थाना हल्दौर के गांव जलालपुर भूड़ में एक गुलदार कैद हुआ है वन विभाग के पिंजरे में। इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में दिल्ली से लखनऊ जा रहे 4 भाई सड़क हादसे का शिकार हुए। थाना उसराहार इलाके में यह हादसा हुआ है और इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को सैफई पीजीआई में भर्ती कराया गया है। ये सभी लोग दिल्ली के विजयनगर इलाके से लखनऊ जा रहे थे। गाड़ी में 5 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को झपकी आ गई, इसके बाद गाड़ी करीब 5 से 6 पलटा खाने के बाद इस हादसे में गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। सूचना मिलने के बाद थाना उत्तराहार पुलिस और यूपी डॉट टीम मौके पर पहुंच गए। कल हाथरस में हुए सड़क हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। आगरा अलीगढ़ हाईवे पर शुक्रवार शाम को बड़ा हादसा हुआ। तेज रफ्तार रोडवेज की जनरथ बस और टाटा मैजिक लोडर की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में लोडर में सवार 17 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 7 पुरुष, 4 महिलाएं, 4 बच्चे शामिल हैं, जबकि 16 लोग घायल हैं। इनमें से ज्यादातर एक ही परिवार के हैं, कुछ पड़ोसी हैं। 8 घायलों को अलीगढ़ रेफर किया गया। सभी आगरा के खंदौली क्षेत्र के गाँव सैमरा के हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया। मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया, जबकि घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। पीएम राहत कोष से भी आर्थिक सहायता मिलेगी। उधर हमीरपुर जिले के बारिश के चलते बाइक डिवाइडर से टकरा गई और हादसे में बाइक सवार एक बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उन्हें जिला अस्पताल से कानपुर रेफर कर दिया गया है। कुरारा थाना इलाके के कालपी रोड पर यह हादसा हुआ है। गाजियाबाद में एनकाउंटर में 2 बदमाशों को गोली लगी है और पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना विजयनगर पुलिस ने ऑटो में सवारियों के साथ लूट करने वाले गैंग के अपराधियों का एनकाउंटर किया है। एनकाउंटर में घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। इनके पास से कई मोबाइल, 2 लैपटॉप, 1 टैबलेट, 2 तमंचे, 4 कारतूस और लूट की घटना में इस्तेमाल ऑटो जब्त की गई है।
उत्तरकाशी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर वरुणावत पर्वत पर हो रहे भूस्खलन पर सर्वे शुरू हो गया है और टीएचडीसी सहित जीएसआई और यूएलएमएमसी के विशेषज्ञों ने सर्वे शुरू किया है। देर शाम को टीम के सदस्यों ने वरुणावत भूस्खलन का जायजा लिया। विशेषज्ञों की टीम आज भी करेगी प्रभावित क्षेत्र का दौरा। भूस्खलन के चलते समाधान को लेकर अपनी रिपोर्ट दी जाएगी। आज अखिलेश यादव झांसी और ललितपुर जिले की बैठक लेंगे। लखनऊ के समाजवादी पार्टी ऑफिस में होने वाली बैठक में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। बैठक में पार्टी की आगामी रणनीति पर चर्चा हो सकती है। साथ ही अखिलेश यादव कई और विषयों पर चर्चा कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के दो लड़कों की नजर आगामी उपचुनाव और विधानसभा चुनाव पर है। ऐसे में इस जोड़ी को बरकरार रखने के लिए अखिलेश यादव सैक्रिफाइस करने से भी पीछे नहीं हट रहे और अखिलेश यादव के एक फैसले ने न सिर्फ दो राज्यों के विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर टशन खत्म हो गई, बल्कि उन्होंने यूपी उपचुनाव के लिए कांग्रेस को भी सख्त और सीधा संदेश दिया। राष्ट्रीय पार्टी का ख्वाब देखने वाले हरियाणा से जम्मू कश्मीर तक साइकिल चलाने का सपना संजोने वाले अखिलेश कांग्रेस के सामने बैकफुट पर आ चुके हैं। जिस हरियाणा में अखिलेश यादव 17 सीटों की डिमांड पर अड़े थे, कांग्रेस से दो दो हाथ की बात कह रहे थे, अब वही अखिलेश सीट की नहीं जीत की बात कह रहे हैं और कांग्रेस के सामने सरेंडर कर चुके हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि अखिलेश यादव के ट्वीट इसके मायने बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने लिखा, हरियाणा चुनाव में इंडिया गठबंधन की एकजुटता नया इतिहास लिखने में सक्षम है और एक बार फिर दोहरा रहे हैं और आगे भी दोहराएंगे, बात सीट की नहीं जीत की है। अखिलेश यादव का ये ट्वीट उस वक्त आया जब यूपी उपचुनाव में कांग्रेस 10 में से 5 सीट तो हरियाणा के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 17 सीटों की डिमांड कर रही थी। भाजपा 80-80 दावा कर रही थी, उसी तरीके से इनका दावा है का हवा निकल जाइए, चिंता न करिए। दंगे की चोट पर 10-10 गठबंधन जीतेगा। गठबंधन में आपको कोई सीट मिलेगी? अब ये तय करेंगे राष्ट्रीय नेतृत्व, तो हम लोगों ने अपनी बात को रख दिया है, 5 सीट का दावा किया है और तय करेंगे राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग मिलकर लड़ेंगे और 10-10 जीतेंगे। तो हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 17 सीटों के नाम फाइनल करके दिए हैं कि इन सीटों पर हम मजबूत स्थिति में हैं और पार्टी आला कमान हमें अनुमति देगा तो हम इन 17 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, चाहे फिर उसका नुकसान किसी को हो, फायदा किसी को हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है कि जो दोस्ती भी ढंग से निभाती है और वक्त पड़ता है तो दुश्मनी भी ढंग से। एक तरफ सीटों की लड़ाई चल रही थी तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने अपने बयान से सियासत का रुख ही मोड़ दिया। उन्होंने आगे कहा, इंडिया अलायंस के किसी भी दल के लिए ये समय अपनी राजनीतिक संभावना तलाशने का नहीं है, बल्कि त्याग और बलिदान का है। जनहित के परमार्थ मार्ग पर स्वार्थ के लिए कोई जगह नहीं होती। कुटिल और स्वार्थी लोग कभी भी इतिहास में अपना नाम दर्ज नहीं करा सकते हैं। अखिलेश यादव का स्वार्थ वाला मैसेज न सिर्फ सहयोगी दलों के लिए है, बल्कि उन्होंने कांग्रेस को भी इशारों इशारों में यूपी उपचुनाव में 50-50 वाले फॉर्मूले को बदलने के लिए है, क्योंकि जब उन्होंने कांग्रेस के सामने हरियाणा में सरेंडर कर दिया तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की डिमांड को भी सख्त और सधा हुआ संदेश दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। वक्फ बिल के विरोध में अब एक और मुहिम शुरू हो गई है। मस्जिदों के बाहर QR लगाए गए हैं, QR को स्कैन कर फीडबैक लिया जा रहा है और वो फीडबैक सीधा JPC के पास जा रहा है। इस QR को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जारी किया गया। लोग इसको स्कैन कर अपना फीडबैक दे रहे हैं। संभल के हयात नगर मोहल्ले की मस्जिद में इसी QR के जरिए लोगों ने अपना फीडबैक दिया है। नोएडा से बड़ी खबर है, पुलिस की गिरफ्त में 25,000 का इनामी। एनकाउंटर में घायल हुआ शातिर, 7 बैटरी और 2 ECM
और दो चार पहिया वाहन सहित तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। थाना सेक्टर 126 क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है। तो पुलिस की गिरफ्त में है 25,000 का इनामी बदमाश। एक्शन में यूपी पुलिस और शातिर को गिरफ्तार किया गया। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना इलाके में एक महिला की हत्या कर दी गई। बेहटा नहर रोड पर रेलवे अंडरपास के पास उसका शव मिला है। आरोप के मुताबिक हत्या कर शव को जलाने की कोशिश की गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है पुलिस। मामले की जांच लगातार जारी है। लोनी बॉर्डर इलाके में महिला की हत्या हुई है। पीलीभीत में चंद घंटे में लूट की दो वारदातें हुई। सुनगड्डी थाना क्षेत्र में एक महिला से कुंडल की लूट हो गई, तो कुछ ही घंटे के बाद जहानाबाद थाना क्षेत्र में एक सोनार से लूटपाट हुई। चोरों ने उससे 600 ग्राम चांदी, 60,000 रुपए नकदी और मोटरसाइकिल छीनी। और वक्त छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।